हेलो स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं जिसमें हम मास कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है ना। तो बेसिकली आपने रोटेशन में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक मीटर स्केल होगी, अब बैलेंस वहाँ होगी जहाँ इसका सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स लगाते वक्त हम लोग यूज़ करेंगे, अपना एक तरफ मास रखा, दूसरी तरफ बैलेंस करने के लिए दूसरा मास रखा, जहाँ टॉर्क बैलेंस हो जाएंगी वो हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। तो इसी पे बेस्ड हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है और इसी के अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे जैसे इसमें हमें एक रॉड दे रखी है, सबसे पहले चेक कर लेना रॉड का एमजी कहाँ पर एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम सोच लेते हैं रॉड जो है उसका एमजी सेंटर पर ही एक्ट कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्म मास की रॉड होगी तो ही एक्ट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मास की रॉड होगी तो कहीं अलग हट करके एक्ट करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, ये जो आप पी पॉइंट देख रहे हो जिसको हम बोलेंगे हिंज का पॉइंट, ठीक है ना, ये हिंज का पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है ना। अब जैसे सबसे पहले हमने लोकेट कर लिया सेंटर ऑफ मास, हमें पता चल गया कि रॉड का सेंटर ऑफ मास रॉड के सेंटर पर है, तो और हमने उसी जगह पर ये हिंज लगा दी, ठीक है ना, या नाइफ एज लगा दी, तो अब क्या हुआ, ये एम जी इस हिंज से पास कर रहा है। जब भी फोर्स हिंज से एक्ट करती है, जैसे मान लो ये पेन है, ये जगह हिंज है, अब अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊं तो कोई रोटेशनल मोशन नहीं आता क्योंकि उसकी टॉर्क जीरो हो जाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली टॉर्क बैलेंस का सारा खेल है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आपने देखा रॉड का सेंटर ऑफ मास जहाँ पर है वहीं पर आपने हिंज लगा रखी है, अब आप दो फोर्सेस दाएं और बाएं लगाते हो, एक फोर्स ए एक फोर्स बी, एक लगा रहे हो एक्स डिस्टेंस पर और दूसरी लगा रहे हो वाई डिस्टेंस पर, आप ये नोट करते हो कि रॉड स्टिल है, स्टेशनरी है, ना इधर झुक रही है ना इधर जा रही है, तो इस बात का मतलब क्या निकला कि इसके ऊपर लगने वाली टॉर्क बैलेंस्ड है, ठीक है ना। तो व्हेन रॉड इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम या व्हेन स्केल इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो उस वक्त क्या होगा, इस पे लगने वाली जो नेट टॉर्क होगी वो जीरो होगी और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क होगी। ये सिंपल सा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, तो जिसमें हमें टॉर्क को बैलेंस करना होता है। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें, और ये हमेशा रोटेशनल मोशन के बाद ही करो जब आप पूरा परफेक्ट कर चुके हो ताकि टॉर्क बैलेंसिंग में आपको दिक्कत ही ना लगे, तो एक साइड से अच्छा टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब जैसे इधर फोर्स लग रही है ए की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स का, और ये जो टॉर्क दे रही है ये टॉर्क दे रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से हमें जनरेट होकर के मिल रही है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इस इंच के अबाउट, और इधर से देखें तो हमें ये फोर्स दे रही है क्लॉकवाइज टॉर्क। अब रॉड जो है ना क्लॉकवाइज झुक रही है ना एंटी क्लॉकवाइज झुक रही है, तो क्या सिग्निफिकेंस है, दोनों टॉर्क आपस में बराबर है, तो दोनों टॉर्क को अगर हम बैलेंस करें तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो गई ए इंटू एक्स और क्लॉकवाइज टॉर्क हो गई बी इंटू वाई। अब यहां से या तो हम ए की या बी की या जो भी अननोन होगा, डिस्टेंस अननोन होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे या मास अननोन होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जनरली हम लोग इसको अगर बोल रहे हैं लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू फोर्स इंटू फोर्स आर्म, इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, लोड इंटू लोड आर्म, इससे करके भी हम लोग जनरल रिजल्ट बना सकते हैं, बट सबसे सिंपल तरीका है टॉर्क बैलेंस, दैट्स इट, वही बोल करके चलो सारी चीजें अपने आप खत्म होगी। तो थ्योरी पढ़ लेते हैं, दिस इज द सिंपलेस्ट केस, द पाइवट इज इन द मिडल ऑफ द यूनिफॉर्म बार, यूनिफॉर्म बार के मिडल में, यूनिफॉर्म बार है तो मास सेंटर ऑफ मास से एक्ट कर रहा होगा। इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज टोटली रेगुलर एंड द सेंटर ऑफ मास इज इन द मिडल, लिखा हुआ ना, देयरफॉर वी कैन इग्नोर द मास ऑफ बार। क्यों इग्नोर करें, क्योंकि पाइवट पर ही एम जी एक्ट कर रहा है और वो कोई टॉर्क जनरेट ही नहीं करेगा। वी कैन से दैट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, और एंटी क्लॉकवाइज हो गया ए इंटू एक्स, क्लॉकवाइज हो गया बी इंटू वाई, यहाँ से बैलेंस करते हुए हम चीज़ें निकाल सकते हैं। अब सपोज करो पाइवट जो है बिल्कुल बीच में नहीं है, यानी रॉड का वेट जो है वो भी पिक्चर में आ रहा है, तो या तो नॉन यूनिफॉर्म मास की मान लो, ठीक है ना, रॉड है और हम रॉड का वेट जहाँ पर एक्ट कर रहे हैं वहाँ हिंज नहीं बना रहे, तो यानी हम रॉड के वेट का टॉर्क भी कैलकुलेट करेंगे। अब हमने पाइवट को यहाँ बना दिया, ये जगह पर पाइवट है, ठीक है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर कर देता हूँ, दिखाई देगा। अब इस जगह के अबाउट जब आप टॉर्क देखोगे तो एक ही टॉर्क हो गई एंटी क्लॉकवाइज एज यूजुअल, रॉड का जो वेट हो गया उसकी टॉर्क आप देख रहे हो क्लॉकवाइज आ गई, ये टॉर्क भी आपके पास क्लॉकवाइज आ गई। अब आपने नोटिस किया कि रॉड ना तो लेफ्ट की तरफ झुक रही है, मतलब ना एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ना क्लॉकवाइज जा रही है, तो दोनों टॉर्क को हम फिर से उठा करके बैलेंस कर देंगे। तो सिंपल फंक्शन है टॉर्क बैलेंस और कुछ नहीं, तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू टॉर्क क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एक्स,
क्लॉकवाइज दे रहा है वेट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया z और साथ में b परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया y। तो ये हमारी यहाँ पर टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन जनरेट हो गई जिससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है, फिर से वन लाइनर यही है, टॉर्क बैलेंस के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है ना। रॉड का वेट हमेशा चेक करके चलना। अब इसमें स्टूडेंट जो फंसता है ना, वो जनरली फंसता है एक जगह पर जो होता है फॉल्स बैलेंस का प्रॉब्लम। मैंने रखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। फॉल्स बैलेंस का मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके चलो, बाकी सब हम रोटेशन में पढ़ते ही हैं। अब जैसे ये कह रहा है सम चिल्ड्रंस आर प्लेइंग ऑन अ सीसॉ, तो ये एक सीसॉ है, ठीक है ना। अब पहले देखना सीसॉ है तो उसका खुद का वेट होगा, ये देखना पड़ेगा कहाँ पर है। अब इन जनरल आप सीसॉ का वेट देखो सेंटर पर ही होगा, तभी वो सीसॉ कोई भी नहीं बैठा हुआ हो तो बैलेंस्ड रहेगा। क्वेश्चन में देखते हैं। द सीसॉ इज अ प्लैंक ऑफ वुड 3 meter लॉन्ग विद अ पाइवट एग्जैक्टली इन द मिडल। तो पाइवट जो दे रखा है बिल्कुल मिडल में दे रखा है। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे ये फर्क पड़ा कि रॉड का जो एम जी है वो कोई भी टॉर्क नहीं देगा, ठीक है ना। इसके अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज डायरेक्टली अबव द पाइवट दे रखा है क्वेश्चन में, सो वी कैन इग्नोर इट। तो पूरी की पूरी थ्योरी दे रखी है। आगे चाइल्ड बी इज सिटिंग 0.4 meter फ्रॉम द पाइवट। तो चाइल्ड बी कहां पर है? हेरा, ये यहां से 0.4 meter पर है, ठीक है ना। वेयर शुड द चाइल्ड सी सिट सो दैट सी सॉ रिमेन्स लेवल। और एक ये बैठा हुआ है 35 kilo का, ये यहां से बिल्कुल कॉर्नर पर बैठा हुआ है, तो 3 meter लंबा है, तो ये हो जाएगा 1.5 meter। ये कहता है सी बताओ कहां बैठे, हमें क्या पता कहां बैठे, एक्स डिस्टेंस पर मान लेते हैं बैठता है, ठीक है ना। तो सच दैट पाइवट इज इन बैलेंस। अब इनके वेट नीचे लगाते हैं, इसका वेट हो गया mg, तो 40g, इसका वेट यहां से एक्ट कर गया 25g, इसका mg कोई काम का नहीं है, इसका वेट यहां से एक्ट कर गया 35g, सही है। अब आप टॉर्क बैलेंस कर लो, ये वाली टॉर्क हो गई आपकी एंटी क्लॉकवाइज और ये दोनों टॉर्क्स हो गई क्लॉकवाइज। तो टॉर्क बैलेंस अगर हम करें तो एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ गई 35g, ये तो वेट हो गया, इनटू डिस्टेंस 1.5। क्लॉकवाइज टॉर्क आ गई हमारे पास 25g इनटू 0.4, 40g इनटू एक्स, एक्स हमें निकालना है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये उठा करके इधर लाते हैं, जी वैसे कैंसिल आउट कर दो, तो 35 इंटू 1.5 माइनस इसको हम लिख सकते हैं 10, ठीक है ना। 25 इंटू 4 करेंगे 100 आ जाएगा, तो 10 बचेगा, इक्वल्स टू 40g, 40x। तो x की जो वैल्यू आ गई 40 से डिवाइड मार दो, 35 इंटू 1.5 बाय 40 माइनस 10 बाय 40, 10 बाय 40 1/4 हो गया, 5 से कट जाएगा, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, तो ऊपर आ गया मेरे पास 10.5 बाय 8 माइनस 1/4, ठीक है। अब बस डिवाइड करना है और कुछ नहीं है, ये बचा 1 और 2, 3 जा 24 और 1 25, 8 1 जा 8 और फिर बचा मेरे पास, ये तो और चलता है बस इतने में बहुत है हमारा 0.25। तो तकरीबन ये रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा 11 में से 5 गया 6, 0, 1.06 meter पर आप इधर से सी को बैठाओ, तब जा करके ये रॉड बैलेंस होएगी, सी सॉ बैलेंस होएगा। तो कुछ खास नहीं था, बस खाली हमें टॉर्क बैलेंस से ही चलना है। अब ये बोल रहा है चाइल्ड बी मिसेज इट्स फूटिंग एंड फॉल ऑफ द एंड। तो क्या हुआ, ये सीसो पर ना ये पैर अड़ाना भूल गया बेचारा, ठीक है ना, झूल रहे थे बच्चे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये पैर अड़ाना भूल गया और गिर गया साइड से, हो गया होशियार ज्यादा। तो वॉट हैपन्स टू द अदर, तो अब क्या होगा, दूसरों को क्या होगा, टॉर्क बैलेंस नहीं होगी, टॉर्क बैलेंस नहीं होगी, इधर की टॉर्क ज्यादा हो जाएगी, तो ये सीसो टेढ़ा हो जाएगा, ये बेचारा हवा में आ जाएगा और ये जाकर के सीधे नीचे जमीन में धंस जाएगा, यही होगा और कुछ नहीं होगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है मीटर स्केल इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर। तो डायग्राम बना लेते हैं मीटर स्केल का। तो ये मेरे पास एक मीटर स्केल दे रखी है, ठीक है, और हमने इसको सेंटर पर बैलेंस कर दिया, ये इसका सेंटर ले लेते हैं इस तरीके से, ओके। When two coins, each of mass 5 gram are put on one another at 12 centimeter mark, तो ये 0 centimeter mark हो गया, और दो coins एक साथ कितने कितने मास के, 5 gram के, तो total mass हो गया 10 gram, इसको रखा 12 centimeter mark पर, तो यहाँ से दूरी 12 है, ठीक है ना, इसकी दूरी 50 है। Next, the scale is found to be balanced at 45 centimeter mark. तो scale जो होती है वो 45 centimeter mark पर balance होती है, तो जाहिर सी बात है। अब क्यों balance होगी, पहले उसके logic को समझते हैं। तो pivot पहले तो center पर था, तो scale पूरी properly balance थी, इसका significance क्या है?
तो मास रखने से पहले जब पाइवोट सेंटर पर लगाते हैं और ये बैलेंस होती है, तो इसका मतलब क्या है कि स्केल का सेंटर ऑफ मास बीच में, तभी तो वो वहाँ पर बैलेंस हो रही है। जैसे ये पेन है, अब इसको अगर मैं बैलेंस करूँ तो ये देखो ये यहाँ बैलेंस हो रहा है बिल्कुल तकरीबन जाकर के बीच में, तो ये इंडिकेट कर रहा है ना कि इसका मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, बाकी दाएं बाएं तो कोई टॉर्क देने वाला ही नहीं है। तो जब आपको क्वेश्चन के अंदर ये बताया जाए कि एक स्केल है और वो जाकर के सेंटर पर बैलेंस होती है, तो इस चीज़ का सिग्निफिकेंस है कि वो इनडायरेक्टली आपको बता रहा है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। तो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज का यहाँ पर मीनिंग निकालना, ठीक है ना। तो इस चीज का मीनिंग ये है कि होल मास ऑफ स्केल इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर, ठीक है। तो पूरा का पूरा mg सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, अभी मैं लगा दूंगा थोड़ी देर में। अब अगर आप यहां पर 10 ग्राम के टुकड़े रख दो, तो जैसे ये यहां पर कंसंट्रेटेड है और मैं इधर वेट रख दूं, तो जाहिर सी बात है ये इधर गिर जाएगा ना, यानी ये बैलेंस यहां नहीं रहेगा। तो वही वो आगे बोल रहा है, व्हेन टू कॉइंस ईच ऑफ मास 5 ग्राम, दैट मींस मिला करके हो गए 10 ग्राम, आर पुट वन ऑन अदर एट 12 सेंटीमीटर मार्क, स्केल इज फाउंड टू बी बैलेंस्ड एट 45। अब स्केल जो है ना 45 पर बैलेंस होती है, तो लॉजिक समझेंगे हम क्यों बैलेंस हो रही है भाई 45 पर। तो स्केल की बैलेंसिंग जो हो रही है, अरे भाई आ जा सिलेक्ट हो जा, तो स्केल की बैलेंसिंग 45 सेंटीमीटर मार्क पर होती है। क्यों होती है इसको समझते हैं। तो इसका लॉजिक क्या है, ये 45 सेंटीमीटर पर क्यों बैलेंस होने लग गया। तो देखो हुआ क्या, अगर ये बीच में ही रहता तो ये अपनी टॉर्क देता रहता, रॉड एंटी क्लॉकवाइज झुक जाती, तो कोई तो क्लॉकवाइज टॉर्क देने वाला होना चाहिए। अब वो क्लॉकवाइज टॉर्क कौन देगा, रॉड का अपना वेट, तो ये रॉड का वेट इसको क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। कितना इधर शिफ्ट करना पड़ा हमें, 5 सेंटीमीटर सेंटर से, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, द मास ऑफ द मीटर स्केल, तो ये एम की वैल्यू जानना चाह रहा है। तो अब हमारा पाइवोट यहाँ पर है, दो लोग टॉर्क दे रहे हैं, एक 10 ग्राम वाला मास और एक एम जी रॉड का वेट, दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लो। यहाँ यूजुअली स्टूडेंट से गलती क्या होती है, ये डिस्टेंस हमें चाहिए होता है, हिंज से डिस्टेंस चाहिए होता है, वो बेचारे यही देख करके रह जाते हैं। तो हिंज से ये डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस कितना निकला, 45 माइनस 12 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 33 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये डिस्टेंस इधर से कितना है, ये हमें पता ही है, 5 सेंटीमीटर है, कैसे 50 माइनस 45, ओके। अब आप चेक करो 10G वाला जो टॉर्क दे रहा है, ये दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज और रॉड का वेट दे रहा है क्लॉकवाइज टॉर्क, बैलेंस कर लेते हैं। तो 10 ग्राम इंटू 33 इक्वल्स टू एम जी इंटू 5, जी से जी उड़ा दो, 5 इधर 10 से कैंसिल आउट हो गया, तो रॉड का मास आ गया हमारे पास 66 ग्राम। तो हमें पता चल गया रॉड का एग्जैक्ट मास जो था वो था 66 ग्राम, राइट आंसर हो गया हमारा थर्ड वाला। तो आई थिंक आपको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट सिंपल समझ आ गया होगा, ये बेसिक एग्जाम्पल्स है जो अभी मैंने सिखाया उस पे लिए। नेक्स्ट, अब ये इस तरीके के प्रॉब्लम आप रोटेशन मोशन में देख चुके हो, ठीक है ना, सकते नहीं हो, देख चुके हो, तो इसलिए मैंने इसको वापस से यहाँ रख लिए। ये कह रहा है टू मैन आर कैरिंग यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ एल ऑन देयर शोल्डर, तो ये रहा एक यूनिफॉर्म बार, ठीक है ना, और दो पर्सन इसको अपने शोल्डर पर उठा करके खड़े हुए, ठीक है ना। तो एक इधर बना देता हूँ और एक हमने इधर बना दिया, तो इन दोनों ने ये शोल्डर पर अपने बार को उठा रखा है। सच दैट ए गेट्स 1/4 लोड इफ ए इज एट 1 एंड ऑफ बार, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम दैट एंड इज, तो कुल मिलाकर के कहानी ऐसी है कि ये जो बी वाला है ये नहीं पता भाई कहां पर है इसका, इसको थोड़ा सा ऊपर भी सरका देता हूं मैं ताकि इनके कंधे पे तो आ जाए, ठीक है। तो ये रहा डायग्राम, तो इस डायग्राम में ए वाला तो एक एंड पर है, बी वाला इस एंड से कितना दूरी पर हो ये हमें निकाल करके देना है। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए गेट्स 1/4 लोड, अब कंधे पर रखेगा इस तरीके से, शोल्डर पर रखेगा तो फोर्स तो डेवलप होगी, वो नॉर्मल रिएक्शन होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर से ऊपर लगी विच इज 1/4 ऑफ वेट ऑफ रॉड यानी एम जी, तो ये भाई साहब कितना वेट बेयर करेंगे। अच्छा रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ बिल्कुल बीच में, यहाँ से सेंटर से एम जी एक्ट कर रहा है, डिस्टेंसेस लिख लो, ये डिस्टेंस हो गया L/2, इधर से डिस्टेंस ले लेते हैं, ये डिस्टेंस हमारा हमें नहीं पता, हम इसको एक्स मार्क कर देते हैं, ठीक है ना। अब इधर से जो लोड आएगा 1/4 तो उधर चला गया, टोटल N1 + M2 mg के बराबर है, तो 3/4 mg, तो इसे 3/4 mg का लोड देखना पड़ेगा।
अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली हमें a से b तक की दूरी निकालनी है, ठीक है ना। अब हम इसमें टॉर्क को बैलेंस करेंगे क्योंकि रॉड हमारी स्टेशनरी है। किसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करें, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ भी हिंज बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो। क्यों? क्योंकि जब कोई बॉडी रोटेट नहीं कर रही तो कहीं से भी देखो तो रोटेट नहीं कर रही, तो हिंज कहीं पर भी बना सकते हो। रोटेशन मोशन में मैंने बताया हुआ है, जहाँ अननोन है वहाँ हिंज बना लो, उसकी टॉर्क गायब हो जाती है। तो लेट्स से दैट हम यहाँ पर हिंज ले लेते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे ले लो तो भी रिजल्ट वही आएगा। तो एक टॉर्क ये मिल गई, एक टॉर्क ये मिल गई, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे अब N1 वाली क्लॉकवाइज हो गई और N2 वाली एंटी क्लॉकवाइज हो गई, तो N1 की टॉर्क हो गई mg बाय 4 इंटू L बाय 2, इसकी टॉर्क हो गई 3/4 mg इंटू x, ठीक है ना। और ये रॉड के mg की कोई टॉर्क नहीं मिलेगी क्योंकि हम हिंज यहीं पर लेते हुए चल रहे हैं। mg से mg वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू आ गई L/6। तो L/6 डिस्टेंस पर सेंटर से दूसरा पर्सन होना चाहिए। तो फ्रॉम a हमें डिस्टेंस निकालना है, a डिस्टेंस ऑफ b, ये हमारे पास आ जाएगा L/2 प्लस L/6। तो LCM में आ गया मेरे पास 6 और ये आ गया 4L/6 यानी 2L/3। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2L/3। राइट आंसर आपके सामने है, थर्ड वाला करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ आ गया ना, देखो फॉल्स बैलेंस वाला प्रॉब्लम, ये जरूर सीख लो। फॉल्स बैलेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में। तो अगर एग्जामिनर दे देगा तो फॉल्स बैलेंस दे देगा और ये इसी तरीके का सवाल दे देगा आपको, हो सकता है डायरेक्ट यही आ जाए, तो इंपॉर्टेंट है। फॉल्स बैलेंस पहले होता क्या है, फॉल्स बैलेंस में क्या होता है ना, पहले वो बैलेंस बनाऊ मैं, ये रही रॉड उसकी, ठीक है ना, बैलेंसिंग रॉड, और इधर ये एक पैन है और इधर ये दूसरा पैन है। तो नॉर्मली वो तराजू है, ठीक है ना। अब तराजू में बीच में इस तरीके से दुकानदार पकड़ करके खड़ा होता है, फॉल्स बैलेंस यही हो गया। अब उसका तो बेचारे का ट्रू बैलेंस होता है, ठीक है ना। फॉल्स बैलेंस में कहानी क्या होती है, फॉल्स बैलेंस में कहानी ये होती है कि इसका ना बीच में से जब हम उसको तराजू को यूं करके उठाते हैं तो बिल्कुल भाई क्या होना चाहिए, दोनों तरफ के जो पैन होने चाहिए बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पर रहने चाहिए, ताकि एक इधर के टॉर्क इधर के टॉर्क बराबर रहे और बिल्कुल बीच में होना चाहिए इंच, ठीक है ना। अब फॉल्स बैलेंस में क्या होता है कि वो क्या होता है, तराजू का जो पॉइंट होता है हिंज होता है वो तो बीच में होता है पर किसी एक तरफ वेट ज़्यादा होता है। मैग्नेट लगा देते हैं कई दुकानदार चोरी चकारी करने के लिए। तो खेल ऐसा है कि ये जब बीच में ऐसे उठाएगा ना तो इस सिचुएशन में ये किसी एक तरफ पलड़ा इसका झुक रहा होगा, ठीक है ना, किस तरफ जहाँ का वेट ज़्यादा होगा। तो जो बैलेंस बीच में उठाने पर बैलेंस ना हो उसको बोलेंगे फॉल्स बैलेंस। और क्यों बैलेंस ना हो, किसी एक तरफ वेट ज़्यादा होगा। अब हमें नहीं पता कहाँ का वेट ज़्यादा है, वही वो पता लगाने को बोल रहा होगा या वो ट्रू वेट बोल रहा होगा, निकालने को पढ़ो। ये बोल रहा है फॉल्स बैलेंस एज इक्वल आर्म। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि दोनों तरफ की लेंथ तो बराबर है, ठीक है, पर ये फॉल्स बैलेंस है। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है कि अभी हमने कोई वेट नहीं रखा फिर भी ये किसी एक तरफ टॉर्क खा रहा होगा। मान लो इस पूरे का वेट इधर की तरफ है, ठीक है, यहाँ से कितनी दूरी पर, हम इसको जेड ले लेते हैं, एक्स और वाई नहीं लिख रहा क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो अब क्या होगा ना, जब आप इसको बीच से उठाओगे तो ये अनबैलेंस्ड वेट के कारण एक तरफ झुक जाएगा, समझ गए, मैंने जैसे इसमें ले रखा है एंटी क्लॉकवाइज झुक जाएगा, आप चाहिए क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब भी दुकानदार ऐसे उठाएगा ना तो उसका पलड़ा इधर ही झुकेगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इधर का वेट ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको फॉल्स बैलेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो दिखाएगा नहीं, चेक नहीं कराएगा दोनों तरफ के बैलेंस है बराबर या नहीं बराबर है, वो क्या करेगा वेट रख के दे देगा, आपको बेवकूफ़ बना देगा। अब बेवकूफ़ कैसे बनाता है वो देखते हैं। ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट वेट वेज एक्स व्हेन प्लेस्ड इन वन पैन। अब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो मान लो मैंने इस जगह पर ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, मान लो आपने क्या किया, उससे 100 ग्राम की कोई चीज़ ली, ठीक है ना, आपको पता है आपने उससे बोला यार मेरे को 100 ग्राम ये चीज़ दे दो, फलानी चीज़ दे दो, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, वो चीज़ उठा करके एक पैन में रखी, आपको पता 100 ग्राम आपने लेनी है, तो इसने इधर साइड पर दूसरी तरफ उसका वेट रिकॉर्ड किया, वेट आ गया एक्स ग्राम। तो एक्चुअल जो वेट था वो था 100 ग्राम, ठीक है ना, मैं mg ले लेता हूँ, उसे नापने के लिए जो उसने वेट लगाया वो था एक्स ग्राम, ठीक है ना। तो आप तो 100 ग्राम की चीज़ ले रहे हो, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है 100 ग्राम के कंपैरिजन में आपको कम या ज़्यादा चीज़ दे रहा है, जैसे कम देगा या ज़्यादा देगा वो एक बार समझते हैं। अब अगर उसने दुकानदार ने इधर चीज़ रखी, ठीक है ना, जो भी चीज़ आप लेने जा रहे हो, और इधर उसने वेट रखा, अब सोचो पहले से तराजू इधर झुक रहा था और आपने ये रख दिया, यानी आपने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बढ़ा दी, तो क्लॉकवाइज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, समझ गए आप मेरी बात। तो आप चीज़ ले रहे हो 100 ग्राम की, ठीक है ना, और यहाँ पर जो वेट रख रहा है वो दिखा रहा है 200 ग्राम, ठीक है ना। तो आप
मतलब जो ऑब्वियसली जो क्वांटिटी आएगी वो थोड़ी सी कम आएगी, ठीक है ना, आनी चाहिए थी 100 ग्राम, बट इधर के करस्पॉन्डिंग जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आप लेने गए 1 किलो आटा, ठीक है ना, आपने लिया 1 किलो आटा। अब 1 किलो आटा मतलब मान लो इतनी स्पेस घेरता है, उसने दुकानदार ने उठा करके यहाँ पर 1 किलो आटा, आपको पता है आप तो 1 किलो लेकर के चल रहे हो, तो 1 किलो आटे को बैलेंस करने के लिए जो वेट लगाना पड़ेगा वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब वो तो दिखाएगा कि यार मैंने तो 1.5 किलो रखा हुआ है, देखो 1.5 किलो ये इतना आटा है, तो वो आटा उधर से कम करेगा, जबकि एग्जैक्टली वो 1 किलो आटा है, ठीक है ना, तो वो उसको कम करेगा, तो इधर वेट को रिड्यूस करेगा, तो ये 1 किलो होगा तो इधर का वेट जो होगा 1 किलो से कम होगा, तो उसने आपको बेवकूफ़ बना दिया। उसने वेट तो ज़्यादा लगाया बट क्वांटिटी उसने उसके करस्पॉन्डिंग कम दी, ये होता है फॉल्स बैलेंस, चोरी वाला तरीका, ठीक है ना। तो उसने ऑब्जेक्ट इधर रखा जहाँ साइड तराजू झुक रहा था, और इधर साइड पर उसे बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली उसको फिर ज़्यादा वेट लगाना पड़ेगा, तो क्वांटिटी जो देगा उसके कंपनसेशन में वो आपको कम देगा, ठीक है ना। तो आटा जो आ रहा है वो एग्जैक्टली कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो मान लो इधर 1 किलो लगाने पर इधर एग्जैक्टली जो वेट रखना पड़ता है हमें बैलेंस करने के लिए, वो रखना पड़ता है 60 ग्राम, ठीक है ना, या 0.6 kg रखना पड़ता है। तो आपको तो दिख रहा है कि यार उसने तो 1 किलो का वेट रखा हुआ है, पर एक्चुअली में जो क्वांटिटी मिल रही है वो 0.6 kg की आपको मिल रही है, कम क्वांटिटी मिल रही है, तो बेवकूफ़ बन करके आ गए। मैंने पूरा प्रैक्टिकल लेकर के आपको बता दिया, अब क्या करेंगे। तो यही वो कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को एक पैन में रख करके वेट करते हैं तो उसका वेट आता है एक्स ग्राम, एक्चुअल वेट है एमजी, आ रहा है एक्स ग्राम, देखते हैं। अब टॉर्क बैलेंस करते हैं सेंटर के अबाउट, इसकी इधर की टॉर्क हो गई एंटी क्लॉकवाइज, इधर की हो गई क्लॉकवाइज, तो बैलेंस करें तो एमजी इंटू एल, आप इसको L/2 L/2 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, एमजी इंटू एल प्लस डब्ल्यू इंटू जेड इक्वल्स टू एक्स इंटू एल, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इधर से डब्ल्यू जेड का वैल्यू पकड़ लिया, डब्ल्यू जेड का वैल्यू एक्स इंटू एल माइनस एम जी एल, फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है वैन प्लेस्ड इन अदर पैन, अब हम इस वेट को यहां रख देते हैं और यहां बैलेंस करते हैं तो वाई ग्राम आ रहा है, तो अगर एग्जैक्ट होता तो दोनों तरफ रखने पर सेम ही वेट आना चाहिए था, तो अब मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा डायग्राम ये रहा, पैन ये रहा, ठीक है, सपोर्ट ये बिल्कुल बीच में लगाया, पर ये बैलेंस नहीं है इसलिए फॉल्स बैलेंस है, डब्ल्यू यहां से एक्ट कर रहा है जेड से। अब वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट जो आप लेना चाहते हो उसको इधर रखा, ठीक है, किसी तरह आपको पता चल गया ये बेवकूफ बना रहा दुकानदार, तो आपने ऑब्जेक्ट इधर रखवाया, एम जी इधर, और आपको पता चला यार सेम वेट तो नहीं रखना पड़ रहा, अब मेरे को वेट वाई रखना पड़ रहा है, ठीक है ना, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, आपको पता चल गया कि यार इधर उधर रखने पर बराबर सा आना चाहिए था, टॉर्क बराबर से आनी चाहिए थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इधर रखने पर उसने 1 किलो रखा तो उधर मेरे को वो मिल रहा है। अब अगर यही 1 किलो इधर रखे तो ये बैलेंस हो जाना चाहिए, नहीं बैलेंस हुआ इसका मतलब उसने आपके साथ खेल कर दिया है, ठीक है ना। तो अब आपने दूसरी तरफ रखा तो आपको पता चला नहीं यार सेम वेट तो नहीं रखना पड़ रहा, वेट तो कुछ और रखना पड़ रहा है इसको, अब आप गैस करो ज़्यादा रखेगा कम रखेगा। तो अब इधर से पहले से टॉर्क लग रही है, आपने इधर ऑब्जेक्ट रखा एम जी का, तो इधर जो वेट रखना पड़ेगा, अब ये वेट जो होगा ऑटोमेटिकली इस वेट की जो वैल्यू होगी वो कम होगी, ठीक है ना। तो आप नोटिस करोगे कि ये 0.6 kg जो वेट एग्जैक्टली था उसके करस्पॉन्डिंग इधर वेट रखना पड़ रहा है 0.4, 0.3, क्योंकि एक चीज़ और इधर से टॉर्क दे रही है, तो आपकी आंखें खुल गई, अरे इधर तो यार मैंने 1 किलो रखवा के बैलेंस करवाया था, अब तो मेरे को इधर 0.3 रख के बैलेंस करना पड़ रहा है, तो घोर बेवकूफ़ बना रहा है हमें, खेल समझ आ रहा है ना। तो अब हम बैलेंस करते हैं इसको, तो इसकी बैलेंसिंग की इक्वेशन आ गई, इधर की टॉर्क हो गई y इंटू एल प्लस w इंटू जेड इक्वल्स टू एम जी इंटू एल, अगेन w z की वैल्यू ले लेते हैं, एम जी एल माइनस वाई एल, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें निकालना है ट्रू वेट यानी एम जी का वैल्यू, बेसिकली m का वैल्यू। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देते हैं, w z दोनों में से एलिमिनेट हो जाएगा। कंपेयर करते ही हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स एल माइनस एम जी एल इक्वल्स टू एम जी एल माइनस वाई एल, एल पूरी इक्वेशन से चला जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा एम जी टू एम जी, तो एम जी का जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स प्लस वाई बाई टू, तो ट्रू वेट जो हो गया ना वो हो गया एक्स प्लस वाई बाई टू। तो अब आप क्या करोगे, अगर आपको बहुत जल्दी दुकानदार को जवाब देना है,
ठीक है ना। तो पहले तो चेक कर लो तराजू का ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो बीच में है या नहीं, पता चले वहाँ आपके साथ उसने और खेल कर दिया। वो क्या करता है बैलेंस करने के लिए बिल्कुल बीच में नहीं लगाता, कहीं इधर उधर शिफ्ट कर देता है और आप चल रहे हो इसी फॉर्मूले से, फिर आपके साथ खेल हो जाएगा। तो एक एक चीज़ प्रॉपर चेक कर लो। ये रिजल्ट जो है डायरेक्ट यूज़ कब किया जा सकता है, बैलेंसिंग बीच में, फॉल्स बैलेंस हो, ठीक है ना। फॉल्स बैलेंस हो मतलब एक तरफ रखने पर कुछ और वेटा है, दूसरी तरफ रखने पर कुछ और वेटा है, एक जैसा वेट ना है। तो एग्जैक्ट वेट जो होगा x प्लस वाई बाय टू के बराबर होगा, सही है। अब जैसे जैसे मैंने जब इधर रखा था ऑब्जेक्ट, और मैंने क्या बोला था, मान लो एक किलो इधर रखा और ये बैलेंस हो गया, और मैंने बोला जब मैंने इधर रखा तो 0.3 रखने पर बैलेंस हो गया, तो एग्जैक्ट वेट कितना होगा, 1 + 0.3 डिवाइडेड बाय 2, यानी 1.3 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.65 kg ही एग्जैक्ट वेट होगा। आप समझ गए मेरी बात। इस तरीके से आप दुकानदार अगर आपको बेवकूफ़ बना रहे तो आप ऐसे बिना बेवकूफ़ बने आ सकते हो, गिवन ये जो होना चाहिए ये बीच में बैलेंस्ड होना चाहिए, और चेक कर लेना दोनों तरफ रखवाने पर वो बैलेंस हो रहा है एक बराबर या नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कर लेना ना, प्रैक्टिकल क्या जा रहा है, आप तो प्रैक्टिकल सीख रहे हो, रियल लाइफ में अप्लाई कर लेना, घर के पास की दुकान पे चले जाना, आटा ले लेना या कोई चीज़ ले लेना आप उससे, ठीक है ना, बैलेंस करवा के देख लेना। थोड़ा सा वहाँ बेवकूफ़ प्रिटेंड करना खुद को, वो इधर रख करके, वो जहाँ रख करके दे वहाँ देख लेना कितना वेट आ रहा है, आप कहना नहीं नहीं भैया एक बार इधर रख करके दे दो। पहले तो वो अगर चोरी कर रहा होगा तो थोड़ा सा बेचारा डर जाएगा इस मामले में, ठीक है ना। पर आप थोड़े स्मार्ट बनना, कहना नहीं नहीं इधर रख करके दो, तो इधर रख करके देख लेना उतना ही वेट आ रहा है या कम आ रहा है या क्या ज़्यादा आ रहा है, बैलेंस हो रहा है, ठीक है ना। अगर एग्जैक्ट सेम आ रहा हो तो बिड़ना मत, तो दुकानदार ईमानदार है, ठीक है ना, घर चुपचाप चले आना। पर अगर अलग अलग वेट आ रहा हो वही चीज़ रखने पर, तो समझ जाना दुकानदार आपके साथ खेल कर रहा है, और एग्जैक्ट वेट की वैल्यू ये रही x प्लस वाई बाई टू, ठीक है ना। तो आई थिंक अब आपको इससे नॉलेज तो अपडेट हो गई, अब प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल करना है, ऐसे इस्तेमाल करना है ताकि हमें कोई बेवकूफ ना बनाए। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है, यूनिफॉर्म मीटर स्केल ऑफ वेट 50 ग्राम। तो यूनिफॉर्म दे रखी है हमें एक मीटर स्केल, तो मैं ले लेता हूँ डायग्राम। तो ये रही हमारे पास एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल, ठीक है ना, जिसका वेट है 50 ग्राम। तो ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास, और यहां से नीचे लगा दिया मैंने 50 ग्राम, ठीक है। कह रहा है इस बैलेंस्ड एट 60 सेंटीमीटर मार्क, तो ये हो गया 0 सेंटीमीटर मार्क, ये हो गया 50 सेंटीमीटर मार्क, इधर कहीं होगा 60 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ पर बैलेंस होती है, मतलब इधर हिंज जाती है। क्यों भाई, यूनिफॉर्म में तो इधर आनी चाहिए, नहीं अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, कॉमा लगा हुआ है। वेर अ वेट ऑफ 15 ग्राम इज सस्पेंडेड एट 10 सेंटीमीटर मार्क, तो जब हम 10 सेंटीमीटर मार्क से 15 ग्राम का वेट सस्पेंड करते हैं, ठीक है ना, तो ये 60 सेंटीमीटर पर बैलेंस होती है। वेयर मस्ट अ वेट 100 ग्राम बी सस्पेंडेड टू बैलेंस, तो कह रहे हैं नहीं अभी भी बैलेंस नहीं होती, कह रहा बताओ 100 ग्राम किधर रखें जब हमें 60 सेंटीमीटर पर बैलेंस करवाना। तो जाहिर सी बात है ये दोनों मिलकर के इधर टॉर्क दे रहे हैं, रॉड का वेट और ये, ठीक है ना, तो हमें 100 ग्राम यहाँ कहीं पर रखना पड़ेगा। अब किधर, यही तो पता करना है, तो ये डिस्टेंस हमने एक्स ले लिया, तो आंसर आ जाएगा अगर उधर से देखोगे तो 60 + x, ठीक है ना। तो अब बैलेंस कर लेते हैं टॉर्क, तो डिस्टेंसेस हमें हिंज से चाहिए होंगे, हिंज हमें लगानी है यहाँ पर, तो इधर से ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 60 - 10 मतलब 50, और ये डिस्टेंस हो गया 60 - 50 मतलब 10, और ये तो हमें दिख ही रहा है एक्स। तो सबसे पहले इधर की एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क 15 × 50 + 50 × 10 = 100 × x। तो x की वैल्यू जो मेरे पास आ गई, ये बना 750, तो 100 से डिवाइड करके 7.5, ये बना 500, तो 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम जीरो मार्क अगर हम देखें, तो ये आ जाएगा 60 + 12.5 मतलब ये हो गया 72.5 सेंटीमीटर। तो इस जगह पर जाकर के हमें 100 ग्राम रखना पड़ेगा अगर हमें इसकी बैलेंसिंग करनी है। राइट आंसर हो गया फर्स्ट वाला। तो मेरे ख्याल से आपको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, स्पेशली फॉल्स बैलेंस वाला कंसेप्ट भी आ गया होगा, ताकि एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सको उस चीज़ को और आपका गड़बड़ ना हो। तो ये था आपका पूरा का पूरा लेक्चर जो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड था, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। थैंक यू सो मच।